अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। आज मैं बना रही हूँ ये मीठे चावल। मैंने एक प्याली चावल आधा घंटा भिगोए थे और उसके बाद मैंने उन्हें बॉईल होने रख दिया। जब एक कनी रह जाएंगे फिर इन्हें स्ट्रेन करके शीरा बनाऊंगी। ये ऑयल गर्म होने रख दिया। इसमें मैंने दो इलायचियाँ डाली, इनको कड़कड़ा के इसमें थोड़ा पानी डाल के चीनी डाल के शीरा बनाऊंगी। ये वाली एक प्याली जो है वो चावलों की थी, अब एक ही प्याली चीनी की, और इसमें मैंने हाफ टी स्पून जो है ना नमक डाला है। इससे ना ज़रा चावलों का टेस्ट मज़े का हो जाता है। ये किशमिश और बादाम है, इसके अलावा कुछ नहीं डालना क्योंकि बच्चे खाते नहीं हैं। ये तीन फूड कलर हैं, मैं ये पानी में घोल घोल के नहीं डालूंगी, आप देखिएगा मैं कैसे डालती हूँ। ये इलायची कड़कड़ाना शुरू हो गई है, अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी और मैं ये साथ चीनी ऐड करूंगी। इसे थोड़ी देर पकाएंगे, जब अच्छी तरह चाशनी पक जाएगी फिर इसमें चावल डाल के मिक्स कर लेंगे। ये बॉयल चावल इसमें डाल लेंगे। बॉयल चावल डाल के इसे अच्छी तरह मिक्स कर दें और जब पानी खुश्क होने लगेगा फिर हम इसमें कलर डालेंगे। ये पानी अब तकरीबन ड्राई हो चुका है, पानी तो नहीं, शीरा थोड़ा सा और होता है, तो फिर मैं कलर डालती हूँ। आप देखें कैसे डालती हूँ। अब कलर मैं डालूंगी इस छुरी के साथ। छुरी को मैं पहले इसमें गीला कर लूंगी, फिर ये एक कलर में डिप किया, ये ग्रीन कलर है जी, ये अब दूसरे कलर में डिप किया, ये रेड है। अब तीसरे कलर में मैं डिप करूंगी, ये येलो है। और साथ ही ऊपर मैं ये किशमिश और बादाम डाल दूंगे और हल्की आंच पे इसे दम पे रख दूंगे 5 मिनट के लिए। ये जी दम लग गया, और इसे हल्के हाथों से हिला लेना। हमारे मीठे चावल तैयार हैं, खाएं और इंजॉय करें।